हेलो गाइस, वेलकम टू क्वीन ऑफ हिल्स शिमला। हेलो गाइस, वेलकम टू शिमला सीरीज एंड इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ शिमला। एक ऐसी जगह जो आपको पूरे शिमला से दिखाई देगी, आई मीन जाखू टेम्पल। अगर आप शिमला में हैं तो आपको दूर पहाड़ों के बीच हनुमान जी दिखाई देंगे ही देंगे, जो कि बहुत सुंदर लगता है देखने में। सो जाखू टेम्पल आप तीन तरीकों से पहुंच सकते हो एंड आई एम ऑप्टिंग द मोस्ट एक्साइटिंग ऑप्शन, जो कि है बाय ट्रैक। एंड जिनको ट्रैकिंग में या फिर चलने में प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए भी दो अदर ऑप्शंस बताने वाली हूँ आगे कि आप जाखू टेम्पल कैसे पहुँच सकते हो। सो हमारा ट्रैक स्टार्ट होता है क्राइस्ट चर्च के बगल से ही, जो रास्ता ऊपर की ओर जाता है। एंड इसी रास्ते में आपको दिखेगा रिज का टॉप व्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ आराम से बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हो। एंड इसी व्यू पे चेरी ऑन टॉप का काम करता है हमारा नेशनल फ्लैग। सो इस व्यू को एंजॉय करने के बाद मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ अपने ट्रैक को। गाइस, आप जब यहाँ पे आओ तो आप बताओ कि आप कितने देर में पहुँचे थे, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कितने देर में पहुँच के गए थे। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? और यहीं आपको एक छोटा सा कैफे भी मिलेगा, जो कि काफी क्यूट था और एस्थेटिक भी था। एंड कैफे के बाहर ही आपको लोकल स्ट्रीट फूड्स भी मिल जाते हैं, जिसको आप इंजॉय करते हुए भी ट्रैक कर सकते हो। बट मेक श्योर कि अगर आपके साथ कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं तो आप बंदरों से थोड़ा सा सावधान रहो, क्योंकि ये बंदर कब आपका सामान लेके उड़ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फाइनली मौसम अच्छा हो गया गाइस, और ये देखो हमारे दोस्त क्या खा रहा है। कमिंग टू द ट्रैक, मुझे पर्सनली ट्रैकिंग की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपको रास्ते में इतने ब्यूटीफुल से व्यूज देखने को मिलते हैं कि आप अपनी थकान भूल जाते हो। मैं विद इन टाइम पहुंच के दिखाऊंगी और मैं वो एब्सोल्युटली फिट वाले कैटेगरी में आऊंगी, आई बेट यू। 15 मिनट तुम्हारा यही निकल गया। 2 seconds later. बस हवा निकल गई। तो गाइस, यहाँ से ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक रोड और एक स्टेयर्स बना हुआ है। तो आपको क्या लगता है, मैं द सुपर वूमेन कौन सा रास्ता चूज करूंगी? आइए कमेंट डाउन कि मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगी। अब किसी में नहीं है गाइस, जो चलना है चलो यार, उस पे चलो इस पे चलो, आप थक नहीं पा रहे हो मुझे लगता है। सुबह इट्स अप टू यू, जैसा आपका स्टैमिना। यार बंदर भी ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाखू टेम्पल तीन तरीकों से पहुंच सकते हैं। सो आफ्टर ट्रैकिंग द सेकेंड वन इज बाय टैक्सी। आप लोकल टैक्सी हायर कर सकते हो, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी लेते हो तो ये आपको कॉस्ट करेगी अराउंड 300 रुपीज। एंड जो लोकल टैक्सीज होती है, जो कि हाफ एन आवर के इंटरवल पे आती है, तो वो आपको 20-30 रुपीज पर पर्सन चार्ज करती है। और ये टैक्सीज जो है आपको मैगती के पास ही मिल जाएगी, और मैगती जस्ट क्राइस्ट चर्च के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो आप इजिली अवेल कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट वे टू रीच जाखू टेम्पल इज बाय रोप वे। दैट विल कॉस्ट यू ₹250 फॉर वन वे एंड अराउंड ₹500 फॉर टू वे राइड। टिकट्स यू कैन बुक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। एंड द टाइमिंग फॉर रोप वे इज मॉर्निंग 9:30 to 7 PM। सो फाइनली वी रीच्ड एट आवर डेस्टिनेशन जाखू टेम्पल, और आपको यहाँ स्टेयर्स पे हनुमान चालीसा लिखा हुआ मिलेगा। एंड आप ये हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते कब हनुमान जी के पास पहुँच जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पहुँचते ही आपको हनुमान जी की 33 meters ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, और आप इसकी ऊंचाई का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि ये 108 फुट ऊंची प्रतिमा आपको पूरे शिमला से दिखाई देती है। जी हाँ, कि आप शिमला में कहीं भी हो तो आपको ये हनुमान जी दूर पहाड़ों में ऊपर से आपको दिखाई देंगे ही देंगे, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज रहते हैं कि हनुमान जी का मंदिर होने के बावजूद इसे जाखू टेम्पल क्यों बोला जाता है। तो क्योंकि ये मंदिर जाखू हिल पे बना हुआ है, तो इसी वजह से इसका नाम जाखू टेम्पल पड़ा। इन सब बातों के अलावा ये मंदिर इस वजह से भी काफी फेमस है, क्योंकि पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की तलाश कर रहे थे, तो उस दौरान वो यहाँ रुके थे, और यहाँ आके ही आपको मतलब इतना सुकून मिलेगा।
अगर आप यहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो आपको यहाँ मंदिर के कंपाउंड में ही प्रसाद, ट्रेडिशनल ड्रेस फोटोग्राफी और साथ में ही काफी सुंदर सा पार्क भी मिल जाएगा। टाइमिंग मैं आपको बता दूं तो ये मंदिर 7 days ओपन होता है, मॉर्निंग 5 to 9 PM तक ओपन रहता है। अगर आपको कुछ खाना हो तो यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट और कैफेज भी मिल जाएगा। क्योंकि ये मंदिर घने जंगलों के बीच है तो ये और भी अट्रैक्टिव लगता है। आई एम श्योर कि आप ना जैसे ही हनुमान जी के दर्शन करोगे ना, मतलब आप थोड़ी देर के लिए तो स्पीचलेस रहने वाले हैं उनको देख के। इतनी सुंदर तरीके से मूर्ति बनाई गई है ना, मतलब चाहे उनकी अंगूठी हो, उनके जड़ाव हो या कुछ भी हो, सब बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बनाया गया है। सूर्या गाइस यू कैन सी यही रास्ता है, मतलब आने में तो ऑब्वियसली आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, बट एक बार जब आप यहाँ पहुँच जाओगे तो पैसा वसूल, मतलब एफर्ट वसूल। जाखू टेम्पल से निकलते ही इसके अपोजिट साइड में आपको बाबा बालकनाथ का मंदिर भी मिल जाएगा। ये मंदिर अभी पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, इस पे रिनोवेशन का काम चल ही रहा है, बट श्रद्धालुओं के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। सो लोग मोस्टली जाखू टेम्पल के बाद यहाँ भी दर्शन करके ही जाते हैं। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, एंड इफ यू डिड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड शेयर कर दो ये वीडियो उनके साथ जो शिमला ट्रिप प्लान कर रहे हैं। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।